What's up, loving people? Hope you are doing good in your life. Welcome to the Roshan's Kitchen blog. With the mantra, man, let's start the blog. हमारा जो real mantra रहता है, उसी से हम start कर लेते हैं. And और एक चीज मुझको ये बोलना है कि Valentine Day special चल रहा है, so wish you a happy Valentine Day, friends. और enjoy कीजिए, अच्छी-अच्छी Valentines बनाइए और Valentine Day इनको बहुत अच्छी तरीके से celebrate कीजिए, friends. We celebrate Valentine Day and इसका reason क्या celebrate करने का Valentine Day? So एक Rome के राजे थे, king थे, Credius नाम के, और Valentine जो थे एक human का नाम है जो Rome में ही रहते थे और वे एक popular इंसान थे Rome के जगह पे and Credius राजा वो king थे. So Credius राजा का thought ये था कि when a man get married, so उसका human power जो रहता है, brain power, वो कमजोर हो जाता है. In fact उसका will power and strength power वो कमजोर हो जाता है. बट ये एक काइंड ऑफ मिथ था जो वैलेंटाइन बोले थे एंड इनफैक्ट वो शादी किए थे, मैरिड किए थे और वो मोटिवेट करते थे पीपल्स को कि गेट मैरी विथ ए वुमेन ताकि आपको बिहाव मिल सके और अपने लाइफ में आप किसी कंपेनियन के साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ से इंजॉय कर सके. सो ये एक स्टोरी था जिसमें केडियस राजा वैलेंटाइन को हैंग कर देते हैं, नॉक कर देते हैं और उसी दिन से 14 फरवरी से वैलेंटाइन डे चालू हो जाता है, सेलिब्रेट करते हैं. सोचते हैं कि वी शुड नॉट हैव बिहाफ और वी शुड नॉट मेक गर्लफ्रेंड. बट व्हाट आई बिलीव दैट कि आपको ये सब चीज़ सोचना नहीं चाहिए बिकॉज ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कोई भाग के नहीं जा सकता. यस वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर सोशल एनिमल और इनको सोशल के साथ गदर होके रहने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो आई विल से दैट कि आप गर्लफ्रेंड बनाइए, अपने बिहाव बनाइए, शादी कीजिए ताकि आपकी लाइफ में एक चार्म मिल सके, एक इन्जॉयमेंट मिल सके. एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप गाड़ी तो खरीद ले बस आप उसको सिर्फ पार्किंग लॉट पे लगा के रखे रहेंगे तो क्या फ़ायदा उसका. सो ऐसे ही लाइफ को इन्जॉय करने के लिए आप मस्ट, गर्ल्स इज मस्ट. सो गाइस, आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ये नॉट इन द सेंस सिर्फ यू हैव टू मेक गर्लफ्रेंड्स, ये गर्लफ्रेंड की लाइफ में काम आने वाला है, सिर्फ आने वाला है ये नहीं है, ये आपके लाइफ में कहीं भी काम आ सकती है, आपके ऑफिस पे, आपके कलीग्स के साथ, अपनी सोशल लाइफ में भी कहीं भी काम आ सकता है. सो लेट्स बिगिन द मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं जल्दी दोस्तों. सो पहला टॉपिक जो है, बिकम मोर इंटरेस्टेड विद अनदर पीपल. यस दोस्तों, आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड होना है रियली में दूसरे पीपल्स के साथ. आप हर समय आपकी, अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं, आप एग्जांपल आपका ही ले लेता हूँ. होता है क्या लाइफ में, सिर्फ हम कभी भी किसी के साथ मीटअप करते हैं फर्स्ट टाइम, सो वी यूजली व्हाट वी यूज टू डू कि हम अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये करते हैं, हमारा क्वालिफिकेशन ये है, हमारा हॉबी ये है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना चाहिए कि आप पहले उस पर्सन से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानिए, उनके बारे में उनको ज़्यादा पूछिए, उनका एक्सपीरियंस आप ज़्यादा लीजिए कि व्हाट शी लव्स टू डू, व्हाट शी वांट्स टू बी हर इन फ्यूचर, उनको क्या बनना है और उनको किस टाइप का लड़का चाहिए वगैरह वगैरह. पॉइंट है फोर्ट नाम का, FORD फोर्ट, जो उससे आप पहले उनके फैमिली के बारे में पूछिए. फोर्ट का F स्टार्ट होता है, उसके फैमिली के बारे में पूछिए कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं. O फॉर ऑक्यूपेशंस, वो कितना स्टडी की है. ऑक्यूपेशंस रिक्रिएशंस इन द सेंस होता है उसका हॉबी, हॉबी क्या है. और होता है ड्रीम्स, उसका ड्रीम्स क्या है, उसको बनना क्या है. सेकेंड पॉइंट जो है, ऑलवेज रिमेंबर देयर नेम. यस दोस्तों, हर इंसान का जो नाम रहता है, हर पर्सन का जो नाम रहता है वो एक सुपरमैन नेम होता है और हर किसी का नाम एक बहुत उसके लिए एक ब्रांड होता है, उसके लिए एक ब्रांड होता है. जैसे कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के हिसाब से, इनफैक्ट आप अपना नाम ना देके वो बिजनेस में आप अपने पार्टनर का नाम देंगे तो ही विल फील दैट कि यार मेरा नाम आता है, यस मेरा नाम आता है. आप सोच लीजिए रिबॉक, रिबॉक की जगह पे आपका नाम लिखे रहेगा, रोशन स्केचर्स लिखे रहेगा, तो फिर यार कुछ अलग ही बात हो जाती है. इसलिए दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर देयर नेम, कि आपको हर समय उनका नाम रिमेम्बर करना है. और बहुत जन को ये प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लिटरली मुझे प्रॉब्लम है कि मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. सो उसके लिए भी ट्रिक है, आप उनका नाम का स्पेलिंग पूछिए, उनके नाम के साथ कुछ एक मिस्ट्री जैसे जोड़िए. जैसे कि अगर किसका नाम दीपाली है तो आप उनमें आप दिया खोज लीजिए या फिर दीप ये जोड़ लीजिए या फिर कोई भी ऐसा सेंस पे आप नाम जोड़ सकते हैं या फिर कुछ भी रिलेट कर सकते हैं.
थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों, ये तो बहुत थोड़ी सी अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो चुकी है एंड कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो यूजली क्या होता है कि वी बोथ यूज टू फाइट विथ ईच अदर एंड आपको उनका कुछ चीज फॉल्ट नज़र में आता है एंड उनको आपका कुछ फॉल्ट में नज़र में आता है. तो व्हाट वी यूज टू डू डायरेक्टली कि हम डायरेक्टली जाते हैं पब्लिक के सामने, हम लोग डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं कि यार आपकी ये जो वर्ड्स थी वो बहुत बुरी थी, इनफैक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, डायरेक्टली हम बोल देते हैं. बट ये एक बहुत बुरी सी चीज़ होती है, वी नेवर यूज टू डायरेक्टली पॉइंट आउट देयर मिस्टेक. यस दोस्तों, हमको कभी भी उनका मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए ऑन पब्लिक. हम उनको साइड पे लेके जा सकते हैं या फिर थोड़ी देर बाद उनको ये बोल सकते हैं कि रियलाइज करवा सकते हैं कि यार आप जो ये वर्ड्स बोले मुझे हर्ट फील हुआ, सो प्लीज़ ये वर्ड्स आप ना बोलिए, या फिर ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं. तो कभी भी वो मिस्टेक को डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं करना है, इनफैक्ट उनको कुछ देर बाद उनको आपको बताना है कि ये मिस्टेक आपके द्वारा हुआ है, और उनको कभी भी आपको अगर वो सॉरी भी बोलते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है. फोर्थ पॉइंट जो है दोस्तों, ये कुछ गिव देम ए डॉग नेम. इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ. व्हेन आई यूज टू गो टू माय कॉलेज स्टूडेंट्स, ये हुआ था कि वी आर जस्ट बाय द हुक वी आर टॉकिंग विद ईच अदर विद माय फ्रेंड्स. ठीक है, हम बात कर रहे थे अपने एक दोस्त के साथ और ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफिस के क्रॉस कर रहे थे. सो सडनली आई हैव सीन दैट ए मैन दैट एक बॉय दैट ही वॉज स्प्लिटिंग नियर बाय आवर प्रिंसिपल रूम एंड यूजिंग सम वर्ड्स, वल्गर वर्ड्स. सो आई डिडंट लाइक दैट एंड आई डायरेक्टली गो टू दैट पर्सन और उनको साइड में मैं लेके गया एंड आई यूज टू से दैट कि यार आपका नाम तो बहुत मैंने सुना है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, इनफैक्ट बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, एंड डायरेक्टली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. सो ही फील दैट कि यार ये बंदा कहाँ से आया, इवन ही डिडंट नो मी अबाउट कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ. बट वो एक उस टाइम से वो तमीज़दार बन गया एंड उसी दिन से उसका लाइफ में जो था ट्रैक वो दूसरे तरीके से चल गया. वो जो स्प्लिट कर रहा था, थूक रहा था, इनफैक्ट वो जो वल्गर वर्ड्स यूज़ कर रहा था उसी दिन से उसने बंद कर दिया एंड वो मेरे से बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप बनाने लगा और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया. सो ये एक पॉइंट है ए डॉग नेम. यस, कि हमको कभी भी अगर कोई बुरा चीज़ हमको लग जाता है या फिर हम देखते हैं किसी के बारे में बुरा चीज़, तो हमको उनको उनकी तारीफ करना चाहिए कि आप यार तो बहुत अच्छे इंसान हो और ऐसा कैसे कर रहे हो. सो इससे क्या बनता है, एक माइंड साइकोलॉजी बनता है, ये इन्फ्लुएंस कर लेता है ह्यूमन माइंड को और उनको वो कन्वर्ट करके अच्छा इंसान बनाते हैं. फाइव पॉइंट जो ये है, एडमायर योर ओन मिस्टेक. यस दोस्तों, जैसे कि मेरा फोर्थ पॉइंट था कि गिव देम ए डॉग नेम. आपको अपने फ्रेंड्स को या फिर कोई भी बुरा चीज़ लगता है तो आपको ये बोलना है कि यार आप तो पहले ऐसे नहीं थे, आप ये थे, जो पॉइंट था वो तो सही है. इसके बाद आपको ये बोलना है कि एडमायर योर ओन मिस्टेक. आपको एडमायर करना है कि यार यस मैं भी पहले कुछ ऐसा ही था. जैसे कि मैं वो दोस्त को बोला था कि यार मैं भी पहले थोड़ा सा मिसचीवियस था, मैं भी कभी स्लैंग्स यूज़ करता था. बट एक रीज़न बताया उनको, जैसे कि अगर व्हेन वी यूज टू यूज स्लैंग्स उससे होता ही है कि हमारी जो वर्डिंग्स रहती है हमारी पॉजिटिविटी विद पावर वो घट जाती है. तो मैं उनको ये बोला था ऐसे और ये बोला था कि मैं यूज़ करता था बट नाउ आई हैव लेफ्ट बिकॉज ये इससे ये बहुत बुरी चीज़ होती है, आपकी पॉजिटिविटी लेवल कम हो जाती है, इनफैक्ट आपकी जो वर्ड्स पे जो पावर रहती है वो कम हो जाती है. और मैं उसी दिन से बंद कर दिया. सो मैं जब ये बोला और मैं वो पर्सन को एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है, उसी दिन से वो पर्सन ने भी बंद कर दिया और इनफैक्ट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था दोस्तों. तो ये एक चीज़ होता है कि आप अपने मिस्टेक को एडमायर कीजिए कि हाँ मैं भी पहले ये मिस्टेक करता था एंड अभी नहीं करता हूँ, तो आप ही ना कीजिए. ऐसा नहीं कि आपको करना है नहीं करना है, वो उनके ऊपर है. बट आपको इन्फ्लुएंसिंग पावर आप एक लेवल तक होती है कि धीरे 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 एक वो लेवल बढ़ती जाती है, आप इन्फ्लुएंसिंग टॉक ज़्यादा करने लग जाएंगे और पीपल आपसे इम्प्रेस भी उतनी जल्दी होने लग जाती हैं. सो फ्रेंड्स, आप तो ये ट्राई, बाकी सारे टिक्स टेक्निक्स जो थे, टिप्स थे, वो तो कंप्लीट हो चुकी है. इनफैक्ट मैं आपको ये भी बहुत सी ऐसी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन चुका है बॉयज़ के माइंड पे रिलेटेड टू गर्ल्स. यस, हमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि गर्ल्स को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए या फिर उनको टॉन्ट मारना चाहिए या फिर कोई भी उनके साथ वल्गरी चीज़ यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है. बट आज के ज़माने में ऐसा हो चुका है कि यार बॉयज़ के माइंड पे बहुत सारी रॉन्ग चीज़ घुस चुकी है. पहला बेसिक चीज़ ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही घट जाता है गर्ल्स के सामने आते साथ.
ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे कि हमारे फीलिंग्स रहते हैं गर्ल्स का भी सेम फीलिंग्स रहते हैं, हमारा भी जो मन रहता है गर्ल्स का भी वही मन रहता है. सो कभी भी हमको अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं घटाना चाहिए कि यार वो लड़की है सो बहुत बुरा मान जाएगी, ऐसी मान जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता है. आपको बस हाउ यू आर यू हैव टू प्रिटेंड लाइक दैट ओनली. आप जैसे हो बस आपको वैसे ही प्रिटेंड करना है, आपको रिस्पेक्ट देना है, केयर करना है. नॉट इन द सेंस सिर्फ वो गर्ल है, वो बॉय भी हो, आपसे छोटा भी हो, बड़ा भी हो, कोई भी है, आपको इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल केयर करना चाहिए सबको. और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेसिकली जो गर्ल्स रहती है उनको अल्फा मैन बहुत ज़्यादा पसंद है. अल्फा मैन इन द सेंस एटीट्यूड वाले बंदे, एटीट्यूड अलग होता है एंड ईगो अलग होता है. एटीट्यूड इन द सेंस अगर आप कुछ चीज चाहते हैं, आपको कितना वो हासिल करने की ताकत है, आपके वे आपके ओन डिसीजंस कितना आप एक्यूरेटली लेते हैं वो एटीट्यूड कहलाते हैं. एंड ईगो मतलब डिफरेंट कहलाता है. ईगो एक नेगेटिव जोन में जाता है एंड एटीट्यूड एक पॉजिटिव जोन में जाता है दोस्तों. सो मतलब आपको एक स्टड बंदा बनना है. ऐसा नहीं कि अगर जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको अगर कोई प्रपोज करने गए हैं एंड इनफैक्ट आपकी जो थी बिहाफ वो आपको नेगलेक्ट कर दी या फिर एक्सेप्ट नहीं की, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको उसके पीछे घुस जाना है, हाथ काटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मारपीट झगड़ा ये करना है, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू बी ए अल्फा मैन. आपको अल्फा मैन बनना है, आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए कि यार दोस्तों एक जाती है तो कोई नहीं, आपके लिए आपकी जो कदर करे, आपकी जो रिस्पेक्ट करे, आप उनके सर्च पे जाइए एंड आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और सर्च कीजिए, वेट कीजिए, बिकॉज धैर्यता रखिए, अपने माइंड पे कंट्रोल कीजिए, अपने बॉडी पे माइंड पे, ताकि आपकी बेटर मिल सके एंड आप बेटर चूज कर सके. ऐसा नहीं कि आप वो छोड़ गए तो आप रोने बैठ गए, एकदम उदास सा बन गए और कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों. आपको अल्फा मैन बनना है, आपको अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, आपके अंदर एटीट्यूड आना चाहिए ताकि उससे इंस्पायर हो सके. दोस्तों कुछ मेरे टिप्स एंड टेक्निक्स जो थे हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा भी. और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल सके, आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सके. सो मैं फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बी ए जेंटलमैन, बी ए क्वालिटी मैन, ताकि लोग आपको देखें और सीखें. इनफैक्ट आप अपने को इस तरीके से बनाइए कि लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हो ना, आप दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो. सो दोस्तों बस आज का वीडियो, सो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यही तक था. स्टे कनेक्टेड विथ माई इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं बहुत सारी पॉजिटिव थाट्स, इनफैक्ट बहुत सारी पिक्स अपलोड करता हूँ, इनफैक्ट पेंटिंग रिलेटेड पिक्स भी मैं अपलोड करता हूँ. इनफैक्ट अगर मैं कुछ पोस्ट करने वाला रहता हूँ, वीडियो अपलोड करने वाला रहता हूँ, तो पहले मैं वहाँ पे बता देता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह में, ताकि मेरे व्यूअर्स जो रहे वो वेटिंग करें और उनको इंटरेस्टिंग एक मौका मिले कि मेरे वीडियोस कौन से आने वाली है, उनको पहले से पता चल चुके. सो फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड विथ माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आईडी मेरा वो लिंक पे दिया गया है, इनफैक्ट फेसबुक का आईडी भी वो लिंक पे दिया गया है, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.